अभी हम कर रहे हैं लंच। लंच में है हमारी दही करेले की सब्जी, दो रोटी। साथ में विहान को भी खिला देती हूँ और आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। करेले की सब्जी भी अच्छी लगती है मुझे, भिंडी की सब्जी भी, दोनों ही पसंद आती है काफी। बड़ा लाओ पापा जी। कितने का लगता है? ठीक है, 20, 40, 60, 70, 80, 10 रुपए कल दे देंगे। ठीक है, पापा जी ने 90 रुपए दिए हैं, मैं जाके सर दे आती हूँ पैसे। 10 रुपए कम है, 10 कल दे देंगे। नहीं, काउंट कर लेना, शायद 90 है। ये 2 दिन के हैं, 3600 से 10 कम है। हाँ जी, ये 2 दिन वाले तो अपन खेर कर लेंगे। अच्छा ना, अब इसके देने हैं अपन। किसके? इसके मजदूर के। मजदूर के कल कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब मेरे को दे दे 1000 रुपये तो। अच्छा, मजदूर के हो गए। ला भाई ठीक है, फिर आपके पास हो गया लपटा, इसके जा लिए। ये है हमारा रात का खाना, भिंडी की सब्जी है और ये देखिए इस तरीके से परांठे है। गुड मॉर्निंग, 26 मई सुबह के 7:15, और उठ गई थी मैं 6:30। उठने के बाद मैंने ब्रश ब्रश किया, आज मैंने ब्लू आईलाइनर लगाया है ना। केला खा रही हूँ, यान को भी खिला दूंगी। तो एक ऐसा आया आगे से, आप भी खा लीजिए। खाएगा खाएगा, दिखा ले, खा ले, नहीं खाना। अंदर आओगे विहान ना? चलो पहले अंदर आ जाओ। आज अंदर आओ। सुबह सुबह ना भी मेरे सामने देखो ये रिमोट ले आया कि टीवी चला दे। मैं कहा टीवी चलाना है? अरे चला रही हूँ, समझ गई मैं आपको, टीवी देखना है सुबह सुबह। टीवी बताओ ले, अभी चलेगा, अपने आप आके ऊपर बैठ गया। ये मैं आराम से लेट के अभी तेरी पैंट बदलती हूँ, टीवी देखूंगा। क्यों? सुबह का टाइम है, मेरी मम्मी आज दूसरे घर चले गए थे, तो वहाँ पे ना जब जाते हैं तो टाइम लग जाता है, करीबन 1 बजे या 2 बजे दिन में आते हैं। कभी चले जाते हैं, सुबह जाते हैं, कई बार शाम को चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज रसोई का घर का काम मुझे करना है। तो मम्मी ना सुबह सुबह उठ के बर्तन धो गए थे, तो उनको ना जैसे स्लैब पे रखे हुए थे, तो मैं खाना बनाने से पहले एक बार इनको जचा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस बन जाएगा, वरना खाली जगह ही बिल्कुल नहीं है। सारा स्लैब आप देख सकते हो पूरी भरी हुई है। तो ये चम्मच मैं अलग रख रही हूँ और ये डब्बा भी मैं इसमें लगा देती हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं कि आप ना वो बर्तन रखने का स्टैंड ले लो। स्टैंड तो मैं ले लूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है मैं उसे लगाऊँगी कहाँ, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि यहाँ पर ना एक जगह तो देखो फिटिंग हो रखी है, आर ओ लग रहा है रसोई में, दूसरी जगह मैंने डब्बे रखने का आप देख सकते हो लकड़ी का मैंने वो लगवा रखा है, तो स्पेस ही इतना ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, हाँ अभी एक बार दूसरे घर की भी रसोई सेट हो जाएगी तो आधे बर्तन वहाँ निकल जाएंगे, तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी रसोई में बनी जाएगी, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए स्लैब मैंने साफ़ कर दी है, अब मैं आलू प्याज की कटिंग कर दूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी नमकीन चावल। और पता है कल रात को क्या हुआ? कल शाम की बात है, 7-8 बजे मेरे पापा जी आए घर पे यहाँ पे, और मेरे सामने मेरी मम्मी को ऐसे बोलते कि ना
मेरे को ना खाना भी नहीं देती मेरे को, मेरी पत्नी तो मुझे ऐसे बोले मेरी मम्मा को। तो मैंने कहा पापा जी लाओ रोटी, मैं बना देती हूँ, रोटी की बात है तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी क्या बात पापा जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मम्मी बोलते हैं कि मैं ना वहाँ पे दूसरे घर में रोटी बना के आती हूँ, और जब भी जाती हूँ ना तो बासी रखी रहती है, कोई भी नहीं खाता, मैं बनाती हूँ और ना वो ना बासी होके ख़राब जाती है, तो जब खानी होगी मैं ताजी ही बनाऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने पापा जी को कहा, मैंने कहा पापा जी लाओ मैं बना देती हूँ रोटी। तो पापा जी बोलते ना तू मत बना, मम्मी बनाएगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मम्मी बनाएगी, एक ही बात है, मैं बना दूंगी। बोलते ना ना तू बैठ जा। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने कहा पापा जी रोटी बना दूँ, पापा जी बोलते ना मैं तो ना भुज्जी बना के खाऊंगा, अब शाम को जाके अंडे रखे हुए हैं, अंडों की भुज्जी बन जाती है ना, वो बना के खाएंगे। तो मैंने फिर नहीं बनाया खाना। तो मैंने अब ना फिर क्या हुआ, सुबह सुबह मैंने लग के नमकीन चावल बनाए। फिर मेरे पापा जी यहीं पर, क्योंकि आपको पता है काम चल रहा है, तो यहाँ पर आए। तो मैंने कहा पापा जी आप ना नमकीन चावल बने हुए हैं, खाना खा लो, दही भी रखी है। तो पापा जी बोलते नहीं अभी नहीं, दिन में आराम से खाऊंगा। तो अब आप एक बात बताओ, पापा जी ने मम्मी पे क्या इल्ज़ाम लगाया कल शाम को कि मम्मी रोटी नहीं देते? और अगर मम्मी रोटी नहीं देते तो ये देखो अभी शाम, अगर पापा जी भूखे रह रहे होते तो ये बताओ कि अभी सुबह नमकीन चावल बने? अगर कोई इंसान, अगर मैं भूखी हूँ तो मैं तो भाग के जाऊँगी ना किचन में और खाना खाऊँगी, और सामने खाना रखा हुआ है और मैं पापा जी से पूछ रही हूँ कि लो खा लो, और पापा जी ने फिर भी नहीं खाया खाना और बोलते कि मैं दिन में खाऊँगा, इसका मतलब पापा जी को भूख ही नहीं लग रही है ना, वो बस मम्मी को ऐसे ही ना छेड़ने के लिए बोल देते हैं। होता नहीं कई बार छेड़ना, इन द सेंस वैसे ही कई पति पत्नी की चलती रहती है ना मजाक मस्ती, जो भी आप लगा लो कि हाँ ऐसी शिकायतें कर, झूठी मूठी शिकायतें करते हैं है ना अपने पार्टनर से, अटेंशन पाने के लिए है ना, उनको अटेंशन पानी है, थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है उनको। अब वो मुझसे नहीं केयर चाहते, वो अपनी मम्मा से, मतलब अपनी पत्नी से केयर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उनसे पूछे, उनको रोटी नहीं खानी है, उनको बस ये चाहिए कि उनकी पत्नी उनसे पूछे कि हाँ रोटी खाओगे, ये चीज़ होती है ना। तो कोई उन पूछे ना, तो मतलब ऐसा होता है ना कि उनको लगता है कई बार, इसीलिए तो मैं यहाँ पे अब घर सेट हो जाएगा ना, तो थोड़ा उनको भी ये फील नहीं होगा। अभी वहाँ पे क्या है कि वो अकेले अकेले से, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना यहाँ पे देखो एक होता है ना, घर तो पत्नी से ही बनता है, पत्नी होती है तभी घर बनता है, और पत्नी ही देखो यहाँ मेरे साथ, मम्मी मेरे साथ रह रहे हैं यहाँ पर, विहान के की देख रेख कर रहे हैं। तो एक बार जब ये घर तैयार हो जाएगा तब मम्मी पापा साथ हो जाएंगे, एक घर में रह लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी ये शिकायतें करते रहते हैं ना, नाराज़गी है, वो भी आपस की दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हींग निकाली है। आप कहोगे चावल में हींग कौन डालता है, मैं हल्की सी डाल देती हूँ, क्योंकि ना मेरे ना फिर जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि राइस चावल में बाई होती है, तो जो भी चीज़ ऐसी होती है ना जिसमें थोड़ी बाई होती है, तो उसमें थोड़ी सी हींग डाल दो तो बाई ख़त्म हो जाती है। जैसे कढ़ी में और राजमा में, चावल में, बैंगन में, भिंडी में, इन चीज़ों में ना बाई होती है। ये ना पैरों में, घुटनों में, हाथों में दर्द करते हैं अगर आप खाओगे। आप ना 4 दिन लगातार कढ़ी खा के देख लो, आपको पता चलेगा। तो कढ़ी चावल में बाई होती है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए थोड़ा सा हींग और जीरा मैंने डाला है, और यहाँ पे विहान भी आ गए हैं, तो विहान को भी संभालना पड़ता है, एज अ सिंगल मदर दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इसको प्याज दे दिया था, तो यहाँ पे ना मैं इकट्ठे ही डाल दूंगी। और मैं घी में बना रही हूँ ये सब्जी, क्योंकि ना विहान को लिए मैं ज़्यादातर घी में ही खाना बनाती हूँ, और मसाले भी कम ही मैं ऐड करती हूँ। पापा जी कह रहे हैं जाके बता दे कहाँ पे कौन सी वाली टाइल लगेगी। पता है ये वाला पेंट ना मतलब अच्छा लग रहा है, नो डाउट, लेकिन पता है मैं पेंट कम इसलिए करवा रही हूँ टाइल का काम, क्योंकि पेंट फिर वही है, 2 साल में, साल में दोबारा करवाना ही करवाना पड़ता है, ये साल में ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैंने करवाया था पेंट, वो ना 1-2 महीने बाद ही ना यहाँ से, मतलब जैसे धूप वगैरह बारिश आती है ख़राब हो जाता है, टिकता नहीं है पेंट इतना, इसीलिए मैंने इसलिए टाइल्स का काम करवा के पक्का काम करवा देती हूँ। मेरे को रहता है कि एक बारी में झंझट ख़त्म हमेशा के लिए। टाइल्स बतानी है तो चलिए देखिए यहाँ पे पानी का कितना अच्छे से स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि कमी ना हो पानी की। बाहर पीछे भी आप देख सकते हो तराई की जा रही है, ये वाली लग रही है, एक बार निकालनी पड़ेगी, पर थोड़ी मिक्स कर। हाँ जी दिखाना, ना ये वाली नहीं है, ये तो पीछे लगेंगी, यहाँ पे सब पीछे, ब्राउन वाली नहीं है, ग्रे शेड में है, होंगी नहीं ये वाली। देखो पर ये मेरे को ग्रीन लग रही है, ये वाली, हाँ ये वाली, ये जो आपने खोला है
बंडलिया अलग कलर लग रहा है मुझे। हाँ 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 एक ही है, एक ही है, बाहर काट लो इसको, दिखाना बाहर निकाल लो इसको, बाहर निकालो पर ऐसे दिख ही नहीं रही, पीछे से आ रही है ना, एक निकालना पड़ेगा, ये दो चार इसको खोलना अब आगे से। हाँ ये वाली है, ये वाला शेड है, ये वाला लगेगा कमरों में। आपकी ऑडियंस को भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये वाला शेड कमरों में लगेगा। खुशी बैठगी मेरी रानो, ये सारा कुछ आपको पता ही है, मिक्स होके एक बार तो रखा जाता है, भारी डाइले हैं तो। पहले मैं आपको बता देती हूँ, भैया लोग शुरू करेंगे कमरों से, पहले कमरों में जो नीचे नीचे टाइल लगनी है पहले वो काम होगा, उसके बाद आगे पीछे का होगा। क्या चाहिए, रुक जा पहले। वैसे तो मैंने इसको ना बीबीहान को दो छोटे छोटे केले खिलाए हैं, तो लग नहीं रहा खाएगा, नमकीन चावल हमारे तैयार हो गए थे, मैंने बंद कर दिया यार, 25 मिनट हो गए, सिटी नहीं आ रही इसमें, ये तो पूरे ही पेचा बन जाते हैं, गल जाते हैं, देखो खिलमा अभी भी नहीं बन पाए, सिटी आ ही नहीं रही कुकर में, क्या गड़बड़ हो रही है, ये बिहान खेलता रहता है ना तो कई बार क्या करता है ये खराब कर देता है कुकर सारे। मैं तो खाऊंगी भाई, ये नहीं खाएगा, मैं ना बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करनी थी, उसको भूख होती है तो वो अपने आप खाता है, जबरदस्ती कभी बच्चे को नहीं फीड करना चाहिए, उसको मैं ढक देती हूँ, शाम दिन में दाल दूल कुछ बन जाएगी, अभी तो हम ठंडी दही है फ्रिज में से निकाल दी थी, फ्रिज के साथ ही खाना खा लेंगे, फ्रिज के साथ खा रही हूँ सॉरी, दही के साथ खाना खा लेंगे, दही जमी हुई है। करीबन काम करते करते 10 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो अब तो विहान भी थोड़ा सा खा लेगा साथ में, क्योंकि विहान ने भी सुबह छोटे छोटे केले थे वो खा तो लिए, लेकिन वही है फ्रूट से इतना पेट कहाँ भरता है, अन्न से ही पेट भरता है, तो यहाँ मैंने साथ में दही और नमकीन चावल लिए थे, और विहान को भी मैं थोड़ा थोड़ा खिलाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ना घूमते फिरते थोड़ा थोड़ा बच्चे को खिलाते रहो हर एक एक दो दो घंटे बाद, तो बच्चे का भी पेट भरा रहता है। बाकी ना विहान को भूख लगती है वो मुझे बता देता है, मेरे पास आता है और फीडिंग के लिए जिद करता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि बच्चा भूखा हो गया है, तो मैं कुछ ना कुछ बच्चे को खिला देती हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा ना जैसे गलत टाइम पर सो जाए, तो मतलब थोड़ा सा वो होता है कि यार अभी तो कुछ खिलाना था, मैंने खाना बनाया इतने में विहान सो गया, कई बार ऐसा होता है तो बड़ा धोखा सा लगता है, इसीलिए यही रहता है कि विहान को सबसे पहले खिला दो खाना कुछ भी, क्योंकि बच्चे का पता नहीं होता किस टाइम सो जाए, फिर दो दो तीन तीन घंटे बच्चे लगातार सोते भी हैं, तो मैं भी बस अभी ये थोड़ा सा खाना वाना करके रसोई के मैंने फिर बर्तन धो दिए थे। ठीक है जी, अभी के लिए, अरे यार ये मैंने आज आईलाइनर कैसे लगा लिया, मेरे साथ ना पता जैसे नीला आईलाइनर लगाया ना मैंने आज, देखो एक तो मैंने पूरा इस पे हल्का लग गया, इस पे डार्क लग गया ना, मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा है, इस पे मैं एक और करूँगी लगाऊंगी, और चलिए मैं अब घर की साफ़ सफाई करूँगी ऑफ कैमरा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ टाइल्स जो है ना लगनी शुरू हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कितनी टाइल्स लग गई है, और मुझे लुक दिखाऊँगी टाइल लगने के बाद कमरों की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लाती हूँ, ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।